थॉट्स इन एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 1990 की फेमस गैंगस्टर क्राइम मूवी मिलर्स क्रॉसिंग। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1930 में बॉस्टन शहर से, जहां हम एक हॉल में दो बड़े गैंगस्टर्स को बात करते हुए देखते हैं। ये ऑफिस लियो नाम के एक आयरिश गैंगस्टर का होता है, जो अपने बड़े से गैंग के साथ पूरे शहर पे राज करता है और शहर के सभी पुलिस वाले और पॉलिटिशियंस भी करप्शन के चलते उसकी सभी बातें मानते हैं। लियो से मीटिंग करने शहर की दूसरी तरफ से कैस्पर नाम का एक इटालियन गैंगस्टर अपने राइट हैंड मैन डेन के साथ आया होता है, और वहीं हम लियो के राइट हैंड मैन टॉम को भी देखते हैं, जो एक ड्रिंक लेके लियो की चेयर के पीछे आके खड़ा हो जाता है। कैस्पर लियो से कहता है कि बार्स और स्मगलिंग के सिवा मेरा एक जुए का बिजनेस भी है, पर अभी रिसेंटली बर्नी नाम के एक आदमी ने मेरे फिक्स करे हुए जुए की गेम को चीटिंग से लूटा है, जिसका घर तुम्हारे एरिया में है, इसीलिए उसे मारने से पहले मैं एक बार तुझे इन्फॉर्म करना चाहता था। पर लियो कहता है कि बर्नी प्रोटेक्शन के लिए मुझे पे करता है, जिसका मतलब शहर के आयरिश गैंगस्टर्स का हाथ उसके सर पे है, इसीलिए तू उसे नहीं मरवा सकता, जो सुन के कैस्पर बेहद गुस्से में आ जाता है और लियो से बहस करने लगता है। पर उसका आदमी डेन उसे रोक लेता है और वो दोनों गुस्से में लियो के ऑफिस से बाहर चले जाते हैं, और उनके जाने पे टॉम अपने बॉस लियो से कहता है कि बर्नी को बचाने का तेरा डिसीजन सही नहीं है। टॉम कहता है कि कैस्पर सारे इटालियन गैंगस्टर्स को कंट्रोल करता है, इसीलिए सिर्फ बर्नी के लिए हमें पूरे इटालियन माफिया से लड़ाई नहीं छेड़नी चाहिए, वरना ये छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट आगे जाके इटालियंस और आयरिश के बीच में एक गैंग वॉर की सिचुएशन खड़ी कर सकता है। पर लियो टॉम को याद दिलाता है कि बर्नी उसकी गर्लफ्रेंड वर्ना का छोटा भाई है, और अगर उसने उसे इटालियन से नहीं बचाया तो वर्ना को लगेगा कि उसका बॉयफ्रेंड पावरफुल नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम टॉम को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड के घर पे सो रहा होता है और शराब के हैंगओवर से उसकी नींद खुलती है और वो अपने घर जाता है, जहां वरना उसके लिए दरवाजा खोलती है, और हमें पता चलता है कि टॉम के बॉस लियो के साथ साथ वरना का टॉम से भी अफेयर चल रहा है। टॉम और वरना के इस अफेयर के बारे में लियो को कुछ भी नहीं पता होता, और एक रात को जब लियो टॉम के घर आता है, तब भी वो लियो से कहता है कि उसे बर्नी को कैस्पर के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि वरना बस अपने भाई को बचाने के लिए तुझसे प्यार का नाटक कर रही है। पर लियो उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि हमारा गैंग साइज में इटालियन से बड़ा है और जरूरत पड़ने पर हम किसी से भी लड़ सकते हैं। और उसके जाने के बाद हम वरना को फिर से देखते हैं, जो बिना कपड़ों के टॉम के बेड पे होती है, और टॉम उसे बताता है कि अभी लियो यहाँ आया था, पर मैंने तेरे बारे में कुछ नहीं बताया, पर तू इस वक्त एक डेंजरस गेम खेल रही है, क्योंकि लियो को अगर हम दोनों के बारे में पता चल गया तो वो इस बात से बेहद अपसेट होगा। नेक्स्ट सीन में हम टॉम को देखते हैं, जो लियो से मिलने उसके होटल में आता है, जहाँ चल रही एक पार्टी में उसे मिंक नाम का एक आदमी मिलता है, जो कैस्पर के राइट हैंड मैन डेन का छोटा भाई होता है, और टॉम उससे बर्नी के बारे में पूछता है, क्योंकि मिंक और बर्नी अक्सर साथ में जुआ खेलते हैं। पर मिंक कहता है कि बर्नी पिछले 2-3 दिन से गायब है और कैस्पर के गैंग के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। और टॉम वहां से होटल के ऊपर बने लियो के ऑफिस में आ जाता है, जहां लियो के सामने शहर का मेयर और पुलिस कमिश्नर बैठा होता है, और लियो उन्हें ऑर्डर्स देता है कि कैस्पर के सभी बार्स के लीकर लाइसेंस कैंसिल करके उन्हें बंद करवा दो, और अगर उसके लोग इसके अगेंस्ट कुछ भी बोले तो उन्हें भी अरेस्ट कर लो, और वो दोनों लियो के ऑर्डर्स को फॉलो करने लगते हैं। टॉम अपने घर जाता है, जहां बर्नी पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है, क्योंकि वर्ना ने उससे कहा होता है कि टॉम उसे सेफ रख सकता है। टॉम उससे पूछता है कि उसने कैस्पर के जुए के पैसे क्यों चुराए, जिस पे बर्नी कहता है कि उसने और मिंक ने मिलके चोरी की थी, पर क्योंकि मिंक डेन का छोटा भाई है, इसलिए कोई उससे पूछताछ नहीं कर रहा और सब मेरे ही पीछे पड़े हैं। और टॉम उसे एक पुराने होटल में छुपने के लिए बोलता है। एक दिन कैस्पर के दो आदमी टॉम को रोकते हैं और उसे लेके कैस्पर की एक फैक्ट्री में आते हैं, जहां कैस्पर और उसका वो खास आदमी डेन उससे मिलते हैं, और कैस्पर कहता है कि मुझे पता है कि तेरा बर्नी की बहन से चक्कर है, इसलिए तुझे जरूर पता होगा कि वो कहां छुपा है। कैस्पर टॉम को $1500 का चेक देता है और कहता है कि मेरी तुझसे या तेरे बॉस से कोई दुश्मनी नहीं है, और अगर तू मुझे बर्नी का पता बता दे तो मैं तेरे अफेयर की बात लियो से कभी नहीं कहूंगा, और तू ये पैसे भी रख सकता है। पर टॉम उसे मना कर देता है, जिस बात से कैस्पर गुस्से में आ जाता है और डेन के साथ उठ के वहां से चला जाता है, जिसके बाद उसके दो आदमी वहां आके टॉम को पीटने लगते हैं, और कुछ ही देर में लियो के ऑर्डर्स पे पुलिस भी वहां आ जाती है, और टॉम को बचा के पुलिस वाले कैस्पर की सारी फैक्ट्रीज और बार्स को तोड़ डालते हैं, और
बाहर आके जब टॉम पुलिस चीफ से पूछता है कि इस सब की क्या जरूरत है, तब चीफ उससे कहता है कि लियो ने हमें और सभी पॉलिटिशियंस को कैस्पर के बिजनेसेस को बंद करवाने के ऑर्डर्स दिए हैं। अपने बिजनेस पे पुलिस से करवाए गए इस अटैक को कैस्पर लाइटली नहीं लेता और वो लियो के घर पे उसे मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। कैस्पर के दो आदमी टॉमी गन के साथ लियो के बंगले में घुस जाते हैं और उसके सिक्योरिटी गार्ड को मार के घर के ग्राउंड फ्लोर पे आग लगा देते हैं, पर लियो उन दोनों आदमियों की आहट से अलर्ट हो जाता है और बेड के नीचे छुप जाता है और उन दोनों के उसके रूम में आते ही लियो उनमें से एक आदमी को शूट कर देता है और उसकी टॉमी गन उठा के खिड़की से कूद के घर के नीचे आ जाता है और नीचे से वो निशाना लगा के उस दूसरे आदमी को भी गोलियों से बुरी तरीके से भून डालता है और उनके साथ आए बाकी आदमी ये देख के अपनी कार स्टार्ट करके वहां से भागने लगते हैं। पर लियो उन्हें भागने नहीं देता और वो उनपे तब तक गोलियां चलाता है जब तक उनकी कार क्रैश नहीं हो जाती। लियो पे हुए इस जानलेवा अटैक के बारे में टॉम को भी पता चलता है और वो लियो के होटल आके देखता है कि शहर का हर आयरिश गैंगस्टर लियो के ऑफिस के बाहर हथियार लेके आ गया है, क्योंकि अब वो सब कैस्पर और सारे इटालियन माफिया के अगेंस्ट जंग पे जाने वाले हैं। टॉम लियो से कहता है कि इस गैंग वॉर से सबको बेहद नुकसान होगा और वो वॉर को रोकने के लिए लियो को बता देता है कि जिस लड़की के भाई को बचाने के लिए तू इटालियन से जंग शुरू करने जा रहा है उस लड़की का कैरेक्टर खराब है, क्योंकि उसके मेरे साथ भी रिलेशन हैं और वो अक्सर रात को मेरे घर पे होती है। टॉम लियो का सबसे लॉयल और सच्चा आदमी होता है और उसकी ये बात सुन के लियो बिल्कुल चुप हो जाता है और अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखने लगता है और टॉम भी शर्मिंदा होके उसके ऑफिस से बाहर चला जाता है। पर कुछ देर के बाद लियो अपने ऑफिस से बाहर आता है और अपने सभी आदमियों के सामने ही वो टॉम को मारने लगता है। लियो टॉम को पीटते हुए नीचे होटल में ले आता है और उसकी काफी पिटाई होने के बाद उसके होटल का एक बार टेंडर लियो को रोक लेता है और लियो टॉम को जिंदा छोड़ देता है, क्योंकि टॉम ने पास में कई बार उसकी जान बचाई है। शाम को वरना टॉम के घर आती है जो उसे बताती है कि लियो ने उससे भी ब्रेकअप कर लिया है और वो हम दोनों से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। टॉम अब अनएम्प्लॉयड होता है, इसीलिए वो कैस्पर के पास काम मांगने जाता है, जहां उसके ऑफिस में उसे शहर का मेयर और पुलिस चीफ मिलते हैं, जिससे टॉम समझने लगता है कि कैस्पर का इटालियन माफिया धीरे धीरे लियो के आयरिश गैंग से स्ट्रांग हो रहा है और कैस्पर टॉम को अपने गैंग का पार्ट बनाने के लिए मान जाता है। पर उसका राइट हैंड मैन डीन कैस्पर से कहता है कि हम इतना इजीली इस पे भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए कैस्पर अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए टॉम को बर्नी को ढूंढ के उसका मर्डर करने के लिए कहता है। टॉम को पता होता है कि बर्नी किस होटल में छिपा है, इसीलिए वो कैस्पर के दो आदमियों के साथ उसे पिक करता है और वो लोग बर्नी को कार में डाल के मिलर्स क्रॉसिंग नाम की एक जगह पे लेके जाते हैं। मिलर्स क्रॉसिंग दो जंगलों के बीच की एक आइसोलेटेड रोड होती है, जहां आके कैस्पर के आदमी बर्नी को कार से बाहर निकालते हैं और वो टॉम को एक हैंडगन देके बर्नी को किसी पेड़ के नीचे ले जाके शूट करने के लिए कहते हैं। टॉम बर्नी को जंगल के अंदर लेके जाता है, पर बर्नी उसके सामने रोने लगता है और उससे अपनी जान की भीख मांगता है और टॉम उसे शूट नहीं करता, बल्कि वो कैस्पर के आदमियों के सुनने के लिए खाली जगह पे दो गोलियां चलाता है और बर्नी को ये शहर छोड़ने का बोल के वहां से भगा देता है। कैस्पर के दोनों आदमी गन शॉट से बेवकूफ बन जाते हैं और वो जंगल के अंदर जाके बर्नी की डेड बॉडी को चेक ही नहीं करते और टॉम उनके साथ कार में बैठ के वहां से वापस आ जाता है। टॉम कैस्पर से मिलता है जो उसके काम से बेहद खुश होता है, पर वो कैस्पर को बताने लगता है कि बर्नी ने मरने से पहले अपने दोस्त मिंक का नाम लिया था और कहा था कि उसने ये चोरी मिंक के साथ मिलकर करी थी, वही मिंक जो डेन का छोटा भाई है। पर कैस्पर कहता है कि डेन मेरे भरोसे का आदमी है और अगर डेन का भाई मुझसे पैसे चुरा रहा होता तो वो मुझे जरूर बताता, और टॉम कहता है कि वो डेन के अगेंस्ट उसे जरूर कोई एविडेंस ला के देगा। रात को चुपके से बर्नी टॉम के घर में घुस जाता है और टॉम उसे देख के शॉक होता है, क्योंकि उसने बर्नी को इसी शर्त पे जिंदा छोड़ा था कि वो ये शहर छोड़ के भाग जाएगा। पर बर्नी एक लालची आदमी होता है और वो टॉम को ब्लैकमेल करने लगता है। वो साथ में एक रिवॉल्वर लाया होता है और कहता है कि अगर कैस्पर और उसके गैंग को कभी पता चल गया कि तूने मुझे जिंदा छोड़ दिया है तो वो मुझे ढूंढने से पहले तुझे मार देंगे, और वो टॉम को इस सीक्रेट के लिए ढेर सारे पैसे पे करने के लिए कहता है जिन पैसों के साथ वो शहर छोड़ सकेगा, और टॉम जो इस कंडीशन में हेल्पलेस होता है बर्नी की डिमांड्स मान जाता है। उधर कैस्पर के कंट्रोल में पुलिस आते ही वो लियो के होटल्स पे पुलिस से रेड करवाता है और टॉम देखता है कि कैस्पर के कहने पर पुलिस अब लियो के सभी बिजनेसेस को तोड़ के सील करने लगती है और कैस्पर की पावर को बढ़ता देख के लियो अंडरग्राउंड हो जाता है, क्योंकि कैस्पर अपने गैंग की जगह लियो के ऊपर पुलिस से हमले करवा रहा होता है जिन पे लियो का गैंग फायर नहीं कर सकता।
डीन को अपने आदमियों से पता चलता है कि उन्होंने मिलर्स क्रॉसिंग पे बर्नी को मरते हुए नहीं देखा और बस गोलियों की आवाज सुनी थी, जिससे उसे टॉम पे शक हो जाता है और वो अपने उन्हीं दोनों आदमियों के साथ टॉम को पिक करता है और उसे लेके मिलर्स क्रॉसिंग जाता है, जहां वो टॉम को बर्नी की डेड बॉडी दिखाने को बोलता है और वहां जाके टॉम नर्वस हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि यहां इन्हें कोई डेड बॉडी नहीं मिलने वाली और वो श्योर होता है कि आज वो डेन के हाथों मारा जाएगा। पर तभी उन्हें पेड़ों के पास एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसे किसी ने सर में शूट किया होता है और चील कौओं ने उस लाश का चेहरा भी बिगाड़ दिया होता है। डेन और उसके दोनों आदमी अब कन्विंस हो जाते हैं कि टॉम ने बर्नी को मार दिया है, पर टॉम को बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये लाश किसकी है क्योंकि बर्नी तो जिंदा होता है, पर असल में ये लाश बर्नी के दोस्त और डेन के भाई मिंग की होती है, जिसे बर्नी ने दो दिन पहले यहाँ लाके धोखे से मार दिया होता है ताकि सेम जगह वो लाश देख के सबको यकीन हो जाए कि वो मर चुका है और वो पैसे लेके ये शहर छोड़ सकेगा। और जब टॉम को बर्नी की ये मूव समझ आती है तब वो श्योर हो जाता है कि बर्नी कोई मंद बुद्धि चोर नहीं बल्कि बेहद शातिर आदमी है जो उससे पैसे लिए बिना ये शहर कभी नहीं छोड़ेगा। और वरना भी टॉम से बर्नी के बारे में क्वेश्चन पूछने लगती है क्योंकि उसने पिछले दो दिनों से उसे देखा नहीं होता। उधर कैस्पर पुलिस डिपार्टमेंट को ढेर सारी रिश्वत देके उनपे और प्रेशर डालता है और लियो का एनकाउंटर करने को बोलता है, जिसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए पुलिस वाले लियो के एक बार को डायनामाइट स्टिक से उड़ा देते हैं। और जब उस बार के ऊपर से कोई उन पर फायरिंग करता है तब पुलिस वाले जवाबी फायरिंग में लियो के कई आयरिश गैंगस्टर्स को भून डालते हैं, पर उन्हें लियो वहां नहीं मिलता और कैस्पर मेयर और पुलिस चीफ को कह के उसे जल्दी ढूंढने के लिए कहता है और टॉम को उनकी हेल्प करने को बोलता है क्योंकि टॉम पहले लियो का ही आदमी था और उसे लियो के सभी सेफ हाउसेस के बारे में पता होगा। टॉम अब फिर से डेन के खिलाफ कैस्पर के कान भरने लगता है और कहता है कि डेन का भाई मिंक पिछले कई दिनों से मिसिंग है और मुझे लगता है कि डेन ने ही अपने भाई को कहीं छुपा दिया है। वो कैस्पर से कहता है कि मेरे पिछले बॉस लियो और शहर के बाकी सभी गैंग्स को हरा के तू अब सबसे स्ट्रांग और अमीर बन चुका है, इसलिए डेन ने अपने भाई और बर्नी से ये चोरी करवाई होगी और मुझे लगता है कि डेन अपने भाई के लिए तुझे भी मार सकता है। कैस्पर भी अब धीरे धीरे टॉम की बातों पर बिलीव करने लगता है और वो डेन को अपने भाई मिंक के साथ बुलाता है, पर क्योंकि मिंक पहले ही मर चुका होता है इसलिए डेन को वो कहीं नहीं मिलता। और अब कैस्पर को सच में डेन पे डाउट होने लगता है और वो टॉम की ये थ्योरी को सच मानने लगता है, जिससे बौखला के डेन टॉम पे अटैक करता है और गुस्से में कैस्पर डेन को मार डालता है और टॉम की जान बच जाती है। टॉम किसी मास्टरमाइंड की तरह अपने ब्लैकमेलर बर्नी और कैस्पर को रास्ते से हटाने का प्लान भी बना चुका होता है और वो बर्नी को फोन करके पैसों के लिए एक अपार्टमेंट में मिलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद वो सेम टाइम पे कैस्पर से कहता है कि उसने डेन के भाई मिंग की लोकेशन भी ढूंढ ली है जो एक अपार्टमेंट में छुपा है, ये जानते हुए कि कैस्पर और बर्नी जरूर एक दूसरे को देखते ही शूट कर देंगे। और रात को ये मीटिंग होती है जहां कैस्पर उस अपार्टमेंट में जाने लगता है जहां पहले ही बर्नी मौजूद होता है और टॉम कैस्पर के साथ ऊपर जाने की जगह नीचे सीढ़ियों में रुक जाता है और कैस्पर के ऊपर जाते ही उसे गोलियों के चलने की आवाजें आती हैं। टॉम ऊपर जाके देखता है कि बर्नी ने कैस्पर को शूट करके मार दिया है और वो बर्नी को बातों में उलझाता है और उससे उसकी गन लेके कैस्पर की पॉकेट से पैसे निकालने लगता है, जिससे बर्नी का सारा ध्यान कैस्पर की पॉकेट्स पे आ जाता है और टॉम कैस्पर की होल्सर से उसकी पिस्टल भी निकाल लेता है और बर्नी पर पॉइंट करता है क्योंकि बर्नी ने उसे ब्लैकमेल किया था। और वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठ के उससे माफी मांगने लगता है, पर टॉम को इस बार उस पर कोई दया नहीं आती और वो उसे सर में शूट कर देता है, जिसके बाद वो साफ करके बर्नी और कैस्पर की गन्स उनके हाथों में दे देता है, जिससे पुलिस को ये लगे कि इन दोनों ने ही एक दूसरे को शूट किया होगा। और टॉम कैस्पर के वो पैसे लेके वहां से चला जाता है। कैस्पर के मरने के बाद शहर के माफिया की लीडरशिप फिर से लियो के पास आ जाती है और बर्नी की फ्यूनरल पे टॉम कब्रिस्तान जाके लियो से मिलता है, जो वर्ना के साथ बर्नी को दफनाने के लिए वहां आया होता है। लियो के मॉब बॉस बनने के बाद वर्ना फिर से उसकी गर्लफ्रेंड बन गई होती है और वर्ना टॉम को देखते ही उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाके लियो की कार में बैठ जाती है क्योंकि उसने उसके भाई को मारा होता है। लियो टॉम से माफी मांगता है और इतना रिस्क लेके कैस्पर और उसके गैंग को खत्म कर देने के लिए थैंक्स कहता है।
वो टॉम को उसकी पुरानी जॉब भी ऑफर करता है और कहता है कि मैं तेरे और वरना के अफेयर को भूल चुका हूँ और अब तुझे गैंग को वापस आके फिर से लीड करना चाहिए। वो टॉम से ये भी कहता है कि वरना ने मुझे प्रपोज किया है और मैं जल्द ही उससे शादी करने वाला हूँ, जो सुन के टॉम उसे अपनी चॉइस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। पर वो लियो के भेद रिक्वेस्ट करने के बाद भी गैंग में दोबारा आने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो अब ये खून खराबा और नहीं चाहता, और लियो वॉक करता हुआ वहां से चला जाता है। एक और ऐसी ही माफिया क्राइम मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पर क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स एंड एक्शन।